मन में हजारों तूफान लिए सई कुछ इस तरह से निकली तूफान में ही। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत तेज तूफान आने वाला है, लेकिन जो सई है, जो उसकी ज़िंदगी में तूफान चल रहा है, उस तूफान से बहुत कम है। और यही सोचकर जो सई है वो सभी के साथ इस तूफान में भी निकल जाती है। यहाँ पर जो मौसी हैं वो भी साथ में होती हैं और साथ में सभी भी होती है। सभी के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो अपनी आई से नहीं पूछ सकती, क्योंकि उसे पता है कि उसकी आई बहुत परेशान है। इस बात को तो खैर सभी भी समझती है, और सभी जो है वो इतनी समझदार तो हो ही चुकी है। बहुत ही अलग ही इमोशनल चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। सभी जो है वो अपनी मम्मी के साथ जा रही है, अपनी आई के साथ जा रही है, मौसी के साथ जा रही है, और यहाँ पर सई जो है वो बहुत सारे सवालों के साथ जा रही है। यहाँ पर वो पीछे मुड़कर भी देखती है, ऐसा लगता है उसे कि जैसे उसे कोई रोक लेगा। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हज़ारों सवाल जो हैं सई के मन में चल रहे हैं, क्योंकि सई बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। वहाँ पर चौहान फैमिली को आप देख लीजिए, हर कोई एंजॉय करता नज़र आ रहा है, लेकिन सई जो है वो एकदम हैरान परेशान नज़र आ रही है। सई को भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा कि वो उसके बाबा से सभी को दूर कर रही है, लेकिन क्या करें। यहाँ पर आप सबको मालूम ही है कि विराट की क्या हरकत है। सई जो है वो इस बात को जानती है कि सभी को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, और विराट की हरकतें भी सई अच्छी तरह से जानती है। अंदर बड़े सारे सवाल इस वजह से हैं क्योंकि सई को ऐसा लगता है कि वाकई जो विराट है वो नहीं सुधरने वाला है। और बात तो सही है, विराट के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि विराट कब सुधरेगा इसका अंदाज़ा जो है वो शायद किसी को भी नहीं है। इस वक्त शो में इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि फैंस जो हैं वो शो को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि शो की TRP अच्छी है, लेकिन फिर भी अब भी फैंस जो हैं वो लगातार इस सीरियल को ट्रोल कर रहे हैं। जिस तरीके से सई इतनी सारी प्रॉब्लम के साथ जूझ रही है, लेकिन वहीं पर चौहान फैमिली में जश्न का माहौल चल रहा है। जो फैमिली वाले हैं वो पाखी और विराट का एक कनेक्शन बनाने की तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पाखी और विराट जो है वो एक हो जाएं। तो वहीं पर पाखी जो है वो ये सोच रही है कि आज तो वो सब कुछ सच बता देगी कि वो विराट से कितना प्यार करती है। तो यहाँ पर कहानी ये चल रही है, यानी कि खुशियों का माहौल चल रहा है और घर में हर कोई बहुत खुश है क्योंकि विनायक ठीक हो चुका है। तो ये सारे लोग बहुत खुश हैं। ये अलग बात है कि विराट का गुस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है। वो ये जानने के बाद और भी ज़्यादा भड़क उठता है कि सभी उसकी बेटी है, इतने दिनों तक वो उससे दूर रही। और फिर यहाँ पर उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि आखिर सई ने जो है वो क्यों नहीं बताया सभी का सच विराट को। ये उसके दिमाग में चल रहा होता है, और कहीं ना कहीं से ये भी दिमाग में चल रहा होता है कि क्या जगताप के साथ ज़रूर सई का कोई कनेक्शन था, इसी वजह से जो है वो सई नहीं आई सभी को लेकर यहाँ चौहान फैमिली में। तो ये सारा जो भी कूड़ा उसके दिमाग में चल रहा है, उस कूड़े को सई कैसे हटाएगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ पर सई जो है वो तूफ़ान में निकल पड़ी है, और तूफ़ान में बहुत सारी तूफ़ान जो है उसके अंदर चल रहे हैं। अब इस तूफ़ान से कैसे निपटेगी सई ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। यहाँ पर अब विराट आने वाला है और विराट सभी को छीनने वाला है, और साथ ही साथ सई को जेल भेजने वाला है। देखना दिलचस्प होगा आने वाला गुम है किसी के प्यार में का ट्रैक कितना धमाकेदार होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। TV और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।